बताइए इससे पहले कब आंदोलन, किस डेट को हुआ, बताइए आंदोलन किस डेट को हुआ, ये आंदोलन आपको पता है? आप सवाल कर रहे हो क्या, कमाल कर रहे हो यार, ये होती है मीडिया के सवाल, ये मीडिया के सवाल है। एक मिनट महिलाओं का सम्मान, ये मीडिया का सवाल होते हैं, आलू कैसे उगता है, कृषि मंत्री से पूछो हाल कैसे चलता है, ये सवाल सबसे पूछ रहे हैं कि आप बताइए कि आलू कैसे उगता है। आप यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं किसानों के, उसमें आपने कभी हल पकड़ा है? देश के कृषि मंत्री जो है उसमें हल पकड़ा कभी? अगर यहाँ पे हम लोग किसानों के समर्थन देना है तो हमें किसान होना पड़ेगा कि हम अनाज नहीं खाते? नहीं, मैं कह रहा हूँ हम, अरे इन्हें ट्रैक्टर चलाना है, चाय बनानी नहीं आती है भाई साहब, इसके अलावा कुछ नहीं आता, ये देश की जनता को लूटना जानते हैं, कुछ नहीं आता। ये मैडम जो है ये क्या सवाल है भाई साहब, अगर ये देश में किसानों के हित में बात करना चाहते तो यहाँ ये सवाल नहीं करते कि आलू कैसे उगता है, ये पूछते कि आपको परेशानी क्या है, ये पूछते कि आपको परेशानी क्या है, क्यों आपको आगे नहीं जाने दिया जा रहा, ये सरकार कह रही है आप 3 तारीख को आइए। अरे भैया, सरकार की जनता है, जनता जो सरकार है, सरकार जो है वो जनता की नौकर है, और उसको ये सबक सिखाना पड़ेगा कि आप लोग जो है जनता के नौकर है, मालिक बनने का प्रयास मत कीजिए। 5 साल के लिए आपको उस कुर्सी पर बैठाया गया तो आप राजा नहीं बन गए हैं, ये लोकतंत्र है, राजतंत्र यहाँ चलने नहीं दिया जाएगा। और ये जो आलू वाले सवाल आप पूछ रहे हैं, सवाल कृषि मंत्री जाके पूछिए कि उसने कभी हल चलाया है, बैठा ट्रैक्टर में कभी, ये पैसा कमाने के लिए वहां पहुंच गया है ना ये सरकार, ये जो मीडिया बैठे हुए हैं ना लोग, कहाँ कर रहे हैं, देखिए मैं बताता हूँ समस्या पे बात, पता किसकी हो रही है, जो समस्या उनको अंदर बैठ के हो रही है ना, इन लोगों के रोड पे आने से, ये उस समस्या पे बात कर रहे हैं। उन्होंने बोल के भेजा, पूछिए आलू कैसे उगता है उनसे, उन्होंने बोला कि गेहूँ कैसे उगता है पूछिए, उन्होंने बोला आलू कैसे साफ होता है पूछे, तो पूछ रहे हैं यहाँ पे मोदी मीडिया आके। किसान इतना बेवकूफ नहीं है, वेल एजुकेटेड है और आपको जवाब देना जानता है, ये जवाब जाके मैं बार बार बोलूंगा। बहन जी सुन रही होंगी, मैं बहनों का बहुत सम्मान करता हूँ, भीम आर्मी से हूँ, हमारे दादा के परदादाओं ने यहाँ से हल जोता है, उन्होंने ट्रैक्टर भी चलाया है, और हमने जो है करके ही खाया, विरासत में कुछ नहीं मिला है, हमने करके खाया है, मनुस्मृति को जलाया, वो भी संघर्ष करके जलाया, विरासत में कुछ नहीं मिला, कमाया हमने, और हम नहीं बताएंगे, और ना आलू छीनने वाले हैं, अब ना करने वाले हैं, किसान के बेटे हैं। क्या लगता है मोदी मीडिया किसी एजेंडे के साथ यहाँ पर आई? बिल्कुल आ रही है भाई साहब, बिल्कुल। अब देखिए एक चीज है ना, अब इस देश में आप चौथा स्तंभ है, अब इस देश में अगर आप चौथा स्तंभ है, आप नहीं आएंगे तो सवाल उठेंगे आप पे, तो इसीलिए आपको भेजा तो जा रहा है, लेकिन सवाल जो है वो यहाँ फिट है कि क्या पूछना है, बस किसी के हित की बात तो पूछनी नहीं, बस पूछ लेना है कि जाके आलू कैसे उगेंगे, यार कमाल कर रहे हैं, कहाँ का लोकतंत्र है, हम एमएसपी को देंगे। अरे भैया एक बात बताओ, कितना मूर्ख प्रधानमंत्री है, पूरे विश्व में इतना बड़ा पनौती प्रधानमंत्री, अहंकारी प्रधानमंत्री, 1000 का नोट बंद करके 2000 का नोट चालू कर दिया, कहता भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, हो गया खत्म, देश का 268 टन सोना गिरवी रख दिया, आरबीआई का सुरक्षित धन खाली कर दिया, सब कुछ ईमानदारी से चल रहा था, नोटबंदी में फायदा हुआ, जीएसटी से आया, तमाम जो देश में पूर्ववर्ती सरकारों ने संपत्ति बनाई सबको बेच दिया, तो काहेला माइनस में चला गया जीडीपी। शर्म नहीं आती नरेंद्र मोदी जी, आप इतने बेशरम, निर्लज, निष्ठुर, अमानवीय कैसे हो सकते हैं? आप भगवा वस्त्र पहनकर जिस तरीके से रावण ने मां सीता का अपहरण किया है था, उसी तरीके से नरेंद्र मोदी जी आप और आपके टीम ने भगवा वस्त्र पहनकर भगवान का नाम लेकर कालनेमी राक्षस की तरह हिंदुस्तान की आवाम को ठगने का कोशिश किया है। हम सभी पार्टी के नेताओं से कहना चाहते हैं, जाति धर्म और भाषा प्रांत से ऊपर उठकर देश के अन्नदाता पालनहार किसान भाइयों के लिए अपने पलक पावरे बिछा दीजिए, वो दिन दूर नहीं, ये देश गुलामी की ओर जा रहा है। कौन लोग हैं ये बताइए, समझिए पहले बात, ये जानबूझकर एजेंडा फिक्स किया जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी आप बिहार में चुनाव कर रहे थे, आपके 20 हेलीकॉप्टर बिहार में घूम रहा था, कोरोना नहीं फैल रहा था, है? देश के किसान दिल्ली में आएंगे तो कोरोना का हवाला दे रहे हैं, शर्म नहीं आती? 50,000 स्क्रीन से लैस गाड़ियां घूम रही थी, दिल्ली ऑफिस में सेलिब्रेशन मनाया जा रहा, अरे ये अपने अधिकार मांगने आए हैं अंधभक्तो, आपसे आपके बहन की रिश्ता मांगने नहीं आए जो आपको बुरा लगता है, ये देश के अन्नदाता किसान भाई हैं। बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान ये कहता है, वो चाहे कश्मीर से कन्याकुमारी तक कहीं के भी लोग हों, इनका उतना ही अधिकार है। आखिर
देश के प्रधानमंत्री कृषि मंत्री को डर क्यों लगता है? आना चाहिए, बात करना चाहिए। आपके पैरों में मेहंदी लगी है, मुंह में रसगुल्ला है, आपको बेशर्मी की हद पार कर दिए। ये अपने गुरु MS गोवलकर जो RSS के रॉयल सीक्रेट सर्विस वालों के गुरु हैं, उनका एक किताब है वी आर आवर नेशनहुड, जिसमें 95% लोगों को गरीब बनाने की बात की जाती है। वो उसी एजेंडे को लागू करना चाह रहे हैं। सार तक डबल कर देंगे इनकम भाई। क्या डबल कर देंगे? आज तक मोदी जी एक को बात बताइए, मोदी जी अगर वादे के सच्चे होते तो मोदी जी के भी बच्चे होते, तोता से खेल। सत श्री अकाल गोदी मीडिया जी, हम पंजाब में 2 महीने से बैठे हैं, आप कहाँ थे, आज यहाँ आ गए हैं, तो आप करा रहे हैं ऐसे है। गोदी मीडिया मुर्दाबाद, 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 गो बैक, गो बैक। आतंकवादी नहीं, असी किसान है, असी भारत की शान है। असी हर दिल्ली वालों का पेट भरते हैं, सानू दिल्ली वन तो रोकया गया। असी जिथे जाने हैं साडे पुलिस वाले साडे पिछे चोरां जिवें असी चोर हैं एवें लगा रखे हैं। असी कोई चोर नहीं, असी किसान हैं, असी प्रदर्शन किया है, असी डांगा खादियां हैं, असी पानी दियां पछाड़ा खादियां हैं। किसी भी पुलिस वाले वीर ते साडे वल्लों किसानां वल्लों कदे भी कोई उग्र प्रदर्शन नहीं होया, फिर भी साडी जो पुलिस है साडे नाल धक्काशाही करदी है। असी फिर भी सवांगे, साडे तों डांगा मारन, साडे पानी दियां पछाड़ां पाउण, असी बिल्कुल तैयार हैं। असी जिन्ना चिर काले कानून वापस नहीं होंदे, जिन्ना चिर ये मोदी सरकार गूंगी बैरी सरकार ये काले कानून वापस नहीं करदी, उन्ना चिर असी इत्थों वापस नहीं जावांगे, असी दिल्ली दे विच रहांगे।